नहीं हमें कहते हैं, हम तो बाबा के बच्चे हैं, आत्मा भाई भाई है, पीछे क्या हुआ। हम कहते हो भाई भाई आत्मा है, शरीर में दो है, शरीर तो एक नहीं है। तो जब शरीर में दो है तो दो तरह से व्यवहार करो। ऐसे तो खाने पीने में कुछ भी जाके बाजार से खाओ ना, फिर क्यों बाबा ने परहेज दिया है। ये भी मर्यादा है कि भोजन की परहेज जैसा अन्न वैसा मन माया है। ऐसे ही बाबा जब भोजन की परहेज है तो संग की भी परहेज है। ये सब हमारी मर्यादाएं है। संग का भी परहेज रखो, किसी का भी किसी को संग नहीं लगे। जो किसी के संग से बुद्धि नीचे ऊपर हो वो नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे ही कहती हूँ, समझो हमारी मर्यादा तो है दिनचर्या में बराबर रहना, लेकिन कोई में सुस्ती आती, चलो आज योग में गए न गए, वे टाइम सो गए, वे टाइम खाए, वे टाइम चले, वे टाइम, बाबा कहते हैं वे टाइम भी जो कुछ भी करते हो ये भी एक मर्यादा नहीं। तुम स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स माना अलर्ट, एक्यूरेट और क्या रेगुलर। स्टूडेंट्स माना सुस्ती नहीं चाहिए, तो तुम स्टूडेंट्स भी हो। सतगुरु की श्री मत कहती है कि तुम्हारा हर कर्म चरित्रवान, ये भी हमारी मर्यादा। ये उनसे मिलेंगे नहीं तो उनको फिर सर्व अपने ईश्वरीय संबंध में कैसे ला सकेंगे, उसमें क्या करना चाहिए। हाँ, अगर उनसे मिल हाँ, एक बात तो दुख पहुंचाया ना, नहीं दुख नहीं पहुंचा। आपका फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल भले रखो, क्यों कई काम दोस्तानी नाते से निकलते, लेकिन आप खुद दिल से पूछो जो पहले बहुत फ्रेंडशिप थी और ज्ञान के बाद उतनी आप फ्रेंडशिप रख सकते उनसे, नहीं रख सकते, क्योंकि पहले तो बहुत गहरे दोस्त थे, अब तो गहरा दोस्त वो हो गया तो उनसे आपका इंटरेस्ट खुद भी नहीं रहेगा। बाकी हाँ, प्रवृत्ति के नमूने से दोस्त है, मिले कभी, गए कभी, तेरा काम उसने किया कभी आपने उनका काम किया, इतनी दोस्तानी भले रखो, उसकी मने नहीं है, लेकिन दोस्त नहीं बना। इन दोनों के अंतर है, दोस्तानी नाता भले रखो पर उनको अपना दोस्त नहीं समझो, उसमें जरूर दिल का अंतर फर्क पड़े। उसमें है दिल का दोस्त, उसमें है दोस्तानी नाता, नाता भले रखो, बिना दोस्तानी नाता रखने से आप व्यवहार में ही नहीं चल सकते, आप दफ्तर में भी नहीं चल सकते। तो व्यवहार में तो भले रखो लेकिन दिल का दोस्त नहीं बनाओ। अच्छा, बाकी हाँ दोस्त है उनसे प्यार से मिलो, बुलाओ, आओ, काम करो, उसकी मना नहीं। दूसरा, जो अपने लौकिक पेरेंट्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं तो बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं पहले से, अभी क्या हम लोग गिफ्ट उनको दे सकते हैं या उनसे गिफ्ट भले दियो, भले दियो। अगर आप लोग आज समझो कोई के घर में बर्थडे है और बच्चे हैं, बहू है, बेटे हैं, शादी है, माँ बाप कहते हर भरू इस सब बातों की मने नहीं है, भले उनकी बर्थडे की गिफ्ट है, बच्चे माँ को देते, मदर डे पर गिफ्ट देते, फादर डे पर गिफ्ट देते, फिर मदर फादर बच्चों को गिफ्ट देते, बच्चे फ्रेंड्स को गिफ्ट देते, भले दियो मने नहीं है। लेकिन मैंने बताया वो जो दिल का दोस्त और दिल का देना और दोस्तानी नाते में देना, इन दोनों के अंदर भीतर का अंतर दो। बाकी देने में कोई हर्ज नहीं, भले दियो, भले दियो। अगर ऑफिस में कंट्रीब्यूशन दियो तो आपको ऑफिस से गेट में, अगर पार्टी है तो उसमें हमको कर देना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, क्या हम वो दे सकते हैं? भले आप वो ड्रिंक ना करो, आप बाबा कहते हो उस टाइम एक फल लेके बैठ खाओ, लेकिन आपको अगर ड्यूटी के अनुसार भाई दफ्तर को कंट्रीब्यूट करना ही है और अगर आप नहीं करते तो आपका दफ्तर में दुश्मनी बनेगी, वो नहीं बना, भले दियो। बाबा उसके लिए भी मैंने नहीं करता, भले दियो। आज देखो मैं कहती हूँ आप सब छोड़ो, अच्छा दादी के पास आज आपकी बहू बेटा आता है, अच्छा आपका बहू बेटा आया, वो मेरा तो बहू बेटा नहीं,
लेकिन उस वो कोई ज्ञान में भी नहीं, परंतु उनका प्यार से आपने लाया, वो प्यार से आया, तो क्या दादी अगर शादी किया बहु बेटा आया मैं गिफ्ट नहीं दूं, मुझे देनी पड़ती, मुझे भी देनी पड़ती। तो एक है दोस्तानी, देना लेना निमित मात्र रखो जरूर, उसकी मना नहीं है क्योंकि हम कोई हठ योगी नहीं है, जरूर रखो, लेकिन वो जो दिल के शौकों से ये करना वो करना, पार्टी देना, जन्मदिन मनाना, ये करना, वो आप नहीं करो। आज जैसे देखो बच्ची की शादी है, भले करो, लेकिन दुनिया तो शादी के लिए पता नहीं क्या कर लेती है, आप क्यों वेस्ट मनी अथवा वेस्ट एनर्जी करो, नहीं शादी है भले करे, निमित मात्र जो उनका हिसाब है भले लियो दी। आप देखो आपकी बच्ची है, उनको आप उसको तो ज्ञान नहीं है, और वो कहती है मैं शादी करूं, और आप कहो मैं तो एक साड़ी में ही कहूं तुम जाओ और जाके शादी करो, तो आज के समय में कुछ नहीं ऐसे चलता, होवे तो अच्छी बात है परंतु नहीं चलता, तो आपको थोड़ा बहुत जितना कम से कम हो उनका हिसाब वो कर लो, समझो आपके उसके हिस्से में कोई सा है। लेकिन जो दुनिया के शौक है ये ज्वेलरी करूं ये करूं वो नहीं कर, तो फर्क पड़ा ना, बहुत फर्क पड़ा। तो ऐसे समझो जो दोस्त है ये है भले करो, परंतु नहीं नहीं वो भी आप पूछ के करते हो, अपने टीचर के बताते हो भाई ये निमित्त मुझे करना पड़ा शादी पर करना पड़ा जी। क्वेश्चन वालों ने हिंदी वालों ने जैसे देखो बाबा हमेशा ओपन कहता है, आज आपके बच्चे हैं, अब वो शादी करना चाहते या बड़े हैं, आपका दुकान है, आपका धंधा है, कुछ भी है, तो अगर आप उनको हिस्सा न दो तो जरूर वो लड़ेंगे। लेकिन आप समझो हमारे को चार लौकिक बच्चे हैं, तो पहला मेरा बच्चा, पांचवा बाबा बच्चा, तो पहला आप बाबा बच्चा को रखा तो ट्रस्टी बन के फिर चार को भी निभाओ। अगर चारों को कहो गेट आउट मैं पाई भी नहीं दूंगा, तो फिर तो आपके दुकान में भी वो काम नहीं करेंगे, वो काम भी नहीं करेंगे तो आपका दुकान खराब हो जाएगा, तो खराब भी तो नहीं करोगे। लेकिन आप तो बाबा की ट्रस्टी हो, आपका हिस्सा बाबा, आपका वारिस बाबा, बाकी उनको निभाओ। नहीं फेंको ना, हम कहती हूँ नहीं फेंको, उनको भी संभालो, उनको भी हिस्सा दो। नहीं आप नहीं शाकाहारी करो, जैसे माँ बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें शादी करनी ही है, तो ये है विक्रम। आप उनको कभी एडवाइस भी नहीं करो बच्चा तुम शादी करो, एडवाइस भी दिया तो आपका विक्रम है, पर उनका संस्कार है मैं शादी करूं, तो आप उनको रोक नहीं सकते। नहीं आपका हाँ नहीं है, आप उन्हें उनकी इच्छा पर कहते हो भले, तो जीवन का मालिक वो हुआ, आप नहीं हुए। उनकी इच्छा है ना मैं करूं, तो आप उनकी इच्छा को कैसे मार सकते, उनकी इच्छा है तो आपका कर्म नहीं है, पर आपकी इच्छा है तो फिर आपका कर्म है, इसलिए आपकी इच्छा नहीं चाहिए उनकी इच्छा चाहिए। आप उनको रास्ता बताओ भाई ये है गुड, ये है बैड, ये है स्वर्ग, ये है नर्क, फिर तुम्हें जहां जाना हो तुम जीवन का मालिक खुद हो, तुम अपना मालिक हो, तुम अपना फ्यूचर तुम संभालो, जवाबदार तुम हो, तुम्हें करनी है भले को। नहीं एक बात होती है आपका इंटरेस्ट तो सहायता है, परंतु उनकी इच्छा है आप कहते हो भले करो आपकी इच्छा है, लेकिन उसके लिए आप जो बैठ करके यजमान बुलाते हो महफले करते हो वो नहीं करो। बाकी उनकी इच्छा है मैं शादी करूं तो भले आपको निमित्त करना ही पड़ता, अथवा कोई ऐसे भी होता बाबा कहते युक्ति रखो, अगर आपके बड़े भाई दादा मामा चाचा है तो उन पर रखो कि भाई तुम लोग करो मैं आपका साथ हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करूँ, नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा निमित्त उनका जो हिसाब है सो देना पड़ेगा। अच्छा एक क्वेश्चन है कि चैरिटी जो है ना, जैसे कोई फ्लड है, फ्लड रिलीफ है या चैरिटी होते हैं जैसे उनमें दान देना चाहिए। हाँ कभी कभी देना पड़ता है, क्यों आप लोग प्रवृत्ति में कमाते हो, आप लोग धंधा करते हो प्रवृत्ति में कमाते हो, दफ्तर में कमाते हो, और आप लोगों को अपने दफ्तरों के साथ निभाना पड़ता, चलना पड़ता,
जब चलना पड़ता, निभाना पड़ता, तो आपको समय पर कंट्रीब्यूट करना भी पड़ता। समझो आज जैसे कि यहाँ फ्लड है, या अकाल है, या कभी ऐसे ऐसे कोई भी इंस्टेंट बन जाते हैं, तो आप लोग अपने वैसे भी दुकान में कुछ रखा जाता, और वैसे भी अगर थोड़ा बहुत आप करते हो, तो आप सेंटर में सरेंडर ब्रह्मा कुमारी नहीं करती। क्यों? उनको तो हाई डोनेशन, फ्रॉम डोनेशन टू डोनेशन नहीं होता, ये लाभ। लेकिन आप तो प्रवृत्ति से कमाते, उससे आप डोनेशन दे सकते हो, ये आपका कोई हिसाब नहीं बनता, थोड़ा बहुत शेयर कर सुना। तो हिसाब है दोनों का, अलग हिसाब। जैसे देखो कल की ही बात है, मैं कल का मिसाल सुनाऊ। एक बहन ने लिखा कि एक बिजनेसमैन है, तो है तो वो स्टूडेंट पक्का, तो जनता ने उनको वहाँ के गांव वालों ने कहा है कि आपको इतने हजार गरीबों को आज के दिन खिलाना है। अब वो हमसे फोन में पूछते, दादी मैं क्या करूं? स्टूडेंट पूछता है, तू टीचर, मैंने कहा आपको खिलाना ही है, क्यों? आप इतना बड़ा बिजनेस करते, जानते हैं सारे आपके देश वाले कि आप इतना बड़ा बिजनेसमैन हो, और आप आज के इस कोई कारण है, कोई मौका है, उसी टाइम आप न दियो तो फिर आगे फ्यूचर में भी आप कोई कहेंगे, और आप आगे भी कभी कभी आप देते ही हो अपने बिजनेस से डोनेशन, देते हैं ना डोनेशन निकालते, और आज आप न दो, कहते वो खिलाओ। मैंने कहा कह दो, पैसा लियो खाओ अपना बना के, और खिला सको तो अच्छी बात है, अगर न खिला सकते हो तो अनाज दियो, या उनको कहो कैसे भी बना के खा दो, ताकि देना पड़ेगा। जैसे देखो एक दिन फ्लड हुआ था, तो वहाँ उनके लोकल लोगों ने कहा कि बहुत बहुत जबरदस्त फ्लड आया था ओडिशा के तरफ। फिर वो बहनों के पास आया एक बार खिलाने के लिए, कि ये जो उनसे जाता है ना भोजन किसे ऊपर से हेलीकॉप्टर से, कि सभी को बांधा है, तो एक टाइम का बहने उनको भोजन दे दी हेलीकॉप्टर से। बहनों ने 1000 पैकेट, 1000 के 5000 पैकेट भोजन का बना के और एरोड्रोम से वहां पर दिया हेलीकॉप्टर से। तो क्या है, थोड़ा थोड़ा फिर सरकार है, समाज है, सब कुछ है, उनको भी कभी कभी करना पड़ता, नहीं तो बहने नहीं करती है, पर कभी कभी करना पड़ता। आप लोग ये क्यों कहते, आज हमारे पास में कई गरीब होते, कभी कभी होता हम पैसा नहीं देते, अच्छा जब कभी ऐसा कोई कारण होता हम थोड़ा कंबल दे देते, अच्छा भाई उनको ये कपड़ा है दे दिया, कंबल है दे, पैसा कम दे, क्यों हम डोनेशन में है, पर आप लोग को देना पड़ता है तो वक्त पर दे। इसलिए सरेंडर और प्रवृत्ति का थोड़ा इसमें अंतर होता है, क्यों आप लोग उसमें धंधे में कई बार ऐसे दूसरा, लेकिन सरेंडर मैंने कैश नहीं दिया, चीज दे दी। दूसरा किसने कहा कि कोई बहन है, उसको बच्चा है ऑलरेडी, जैसे विदेश में तो ऐसे बिना शादी के भी लड़का लड़की हो जाते हैं ना, तो वो अगर मानो है तो अभी उसके माँ बाप कहते हैं कि बच्चे को जो है वो उस परिवार में रहना चाहिए, तो इस केस में समझ तो फिर वो ज्ञान में आ गए, तो इस केस में उनको शादी करनी चाहिए, ज्ञान में आ गए यहाँ इन्होंने लिखा है, तो यही क्वेश्चन पूछा कि माँ बाप चाहते हैं परिवार में रहें, तो क्या इस कंडीशन में उनको शादी करनी चाहिए, बच्चा पहले से ही अगर है तो, पहले तो शादी की हुई नहीं, बच्चे तो हैं, शादी तो की अच्छा नहीं है। मैं उसमें हम हमेशा ये रह देती हूँ कि रहना भी है, बच्चे भी है, तो रहते तो प्रवृत्ति के मुआफिक है, और फिर ऐसे रहे उनसे तो क्लियर हो गए कि मैरिज हो गई ना, तो कम से कम एक क्लियर दूसरे समझे, फिर छिपावे ये कौन है, ऐसे ही है, उसे तो शादी की होंगी कहेंगे ना युगल है, बात तो खत्म हो गए ना, अंदर है बाहर में बाकी रखने से छिपाने से क्या फायदा, उसे जब अंदर है तो बाहर भी करके खत्म करो बात, जब रहना ही है बच्चे को संभालना ही है, और रहना ही है कठे, जब रहना भी कठे है बच्चे को संभालने भी है, उसे तो आप अपना क्लियर कर लो क्या मैरिज हो गया, बाकी वो मैरिज का तो जैसे होता है निमित्त भी करो जैसे भी, तो कम से कम ये मैरिज है, नहीं तो फिर होता कि अनमैरिड और फिर ऐसे रहते तो और बदनामी होती, अनमैरिड और ऐसे व्यवहार तो आप गिलानी है, उसे तो मैरिज करके क्लियर करो तो गिलानी वैसे तो आपने, लेकिन मुख्य है
के अटैचमेंट तो खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खुद की अटैचमेंट बिल्कुल नहीं होनी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, वो तो आपने जवाब दे दिया पर फिर भी है क्वेश्चन कि हमको नावल पढ़ने चाहिए, हमको अलाव है नावल पढ़ने का? नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, नो नावल। अच्छा, और दूसरा कि जो दृष्टि देनी होती है तो नो नावल, और बल्कि हम तो इतना भी कहती कभी कभी थोड़े यंत्र मंत्रों का भी कोई कोई रिद्धि सिद्धि के कोई किताब पढ़ती ज्ञान अलो नहीं कर, बिल्कुल कोई साथ देखना, कोई ये ज्योतिषी पढ़ना और कोई उसी में इंटरेस्ट लेते साथ रीड करना, ये थोड़ी वो रीडिंग करने की सोर्स को भुलाना उनको नहीं, हम ज्ञान योग देते हैं, हम वाइब्रेशन ज्ञान इस सब बातों को अलो नहीं कर, कोई कोई उसमें इंटरेस्ट लेते ज्ञान बिल्कुल अलो नहीं। और किस स्थिति में कभी कभी ये यंत्र मंत्र तंत्र ये सभी जो है ना वो रिएक्शन हो जाता है, ऐसे तो हम आपको ये ज्ञान इतना भी है बैलेंस से चलो, कभी कभी हठ योगों से योग है ना वो चल जाते, 15 घंटा योग में बैठ जाएंगे दिमागी खराब हो जाता है, वो भी नहीं करो। बाबा ने इसलिए हर बात में कहा है प्रवृत्ति निवृत्ति बैलेंस में चलो, नहीं तो कभी कभी वो भी हो जाता ना तो उससे भी आती है ये देखा ज्ञान में जा करके इनका दिमाग खराब हो गया, ये भी बदनामी होती, ऐसे भी नहीं, कोई भी अगर थोड़ा भी इशारा देखो बढ़ता है तो उसको एकदम हल्का करो, हम ऐसे को कहती उनको बोलो योग में नहीं बैठो आओ सर्विस करो समझाओ ताकि वो दिमाग वर्क करे, दम नहीं हो जाए, नहीं तो कभी उल्टा दम हो जाता फिर वो भी समझ जाएगा।